रेहान आज फिर देर से घर आया था। अम्मी परेशान थी, उसे देखते ही पूछने लगी क्यों देर हुई। उसने थके हुए लहजे में बताया काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। अम्मी मुतमईन होकर सो गई, जबकि उसकी बीवी खाना गर्म करने लगी। बच्चे सो चुके थे। रेहान आज फिर देर से घर आया था। अम्मी परेशान थी, उसे देखते ही पूछने लगी क्यों देर हुई। उसने थके हुए लहजे में बताया काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। अम्मी मुतमईन होकर सो गई, जबकि उसकी बीवी खाना गर्म करने लगी। बच्चे सो चुके थे। सुबह अम्मी ने नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चों की तैयारी और नाश्ते में बहू की मदद की और रेहान का पूछने लगी जो अभी तक सोया हुआ था। बहू ने बताया तबीयत खराब है, रात दवा लेकर सोया है इसलिए देर से उठेगा। काफी देर बाद रेहान उठा और मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया। अम्मी को पता चला कि नाश्ते के बगैर गया है तो परेशान हो गई। ताहम बहू ने बताया थोड़ी देर के लिए गया है, अभी आ जाएगा। और वाकई आधे घंटे बाद रेहान वापस आ गया। अम्मी को रेहान में बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही थी। ये वही रेहान था जो नमाज का बड़ा पाबंद था। वो अब पहले जैसा रेहान ना था। उसके चेहरे की ताजगी मान पड़ चुकी थी और परेशानी के आसार हर वक्त नजर आने लगे थे। कहा तो रेहान बात बात पर कहके लगाया करता था, कभी फ्रूट कभी केक लेकर घर आता और कहा अब खाली परेशान चेहरा लिए घर ताखिर से आने लगा था। अम्मी ने कई बार पूछा मगर हर बार टाल जाता और काम की ज्यादती का बहाना बनाकर इन्हें इत्मीनान दिलाने की कोशिश करता, मगर अम्मी का दिल कहता कि कोई बात तो जरूर है। एक रात रेहान घर ना आया तो सभी परेशान हो गए। सारी रात रेहान की बीवी और माँ ने परेशानी में गुजारी। फोन करते तो मोबाइल ऑफ मिलता। सुबह हुई तो अम्मी ने दूसरे बेटे दानियाल को बुलाया और रेहान की बाबत पूछा। दानियाल ने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो अम्मी को अपने पाँव से जमीन निकलती महसूस हुई। रेहान ने 18 माह से दुकान का किराया नहीं दिया था और मालिक दुकान ने 2 लाख एडवांस पैसों में से किराया काटकर उसे फारिग कर दिया था। सोचने वाली बात तो ये थी कि रेहान 18 माह से क्या कर रहा था जो किराया तक अदा ना कर सका। अम्मी और भाभी की परेशानी देखकर दानियाल रेहान की तलाश में निकला और दोपहर को उसे साथ लेकर घर आ गया। रेहान का चेहरा उतरा हुआ और नजरें झुकी हुई थी। दानियाल ने जो कुछ बताया वो सब घर वालों के लिए नाकाबिले यकीन था। रेहान जुआ खेलता था और एक बड़ी रकम जुए में हारने की वजह से किराया अदा नहीं कर सका था और अब बेरोजगार बैठा था। अचानक अफदात पड़ने से सभी परेशान थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दानियाल ने दरवाजा खोला तो एक आदमी रेहान से अपना 80,000 का कर्ज लेने आया था। दानियाल ने कहा रेहान घर पर नहीं है, दोबारा आने का कहकर उसे चलता करने की कोशिश की मगर वो जाने को तैयार नहीं था। रेहान की अब दुकान भी नहीं रही, मालिक ने वापस ले ली है, वो हमारा कर्जा कैसे अदा करेगा, मुझे अपने पैसे चाहिए। अच्छा शाम को आना फिर बात करेंगे, दानियाल ने नरमी से कहा तो वो चला गया। वरना तो गली में शोर शराबे का खदशा पैदा होने का अमकान साफ नजर आ रहा था। अभी थोड़ी सी देर गुजरी होगी कि एक और आदमी ने दस्तक दी। रेहान चारपाई पर परेशान लेटा था। बीवी ने दरवाजा खोलकर पूछा तो आने वाले ने कहा रेहान साहब को कह देना सलीम आया था जिससे उन्होंने 50,000 की फ्रिज ली थी, फौरन पैसे दे मुझे अशद जरूरत है। जी भाई बता दूंगी, कहकर बीवी ने दरवाजा बंद कर दिया। अम्मी हैरान परेशान थी कि रेहान को ये बुरी लत कैसे और कब पड़ी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, बी कॉम करके फैक्ट्री में काम कर रहा था कि कारोबार का शौक चुराया और नौकरी छोड़कर मोबाइल की खरीदो फरोख्त की दुकान डाली। अब 2 बच्चे थे, बीवी भी थी, घर के अखराजात थे और बेरोजगार कर्जों तले दबा बैठा था। दानियाल ने बताया कई माह से ये सिलसिला जारी था, मैचों पर शर्तें लगाता था। एक दफा रात के वक्त मुझे पता चला जब शर्त हारने पर उसे 1 लाख के औज लोग मरने मारने पर उतर आए थे तो मैंने बदनामी के डर से किसी से उधार लेकर उसे बचाया था और समझाया था कि ये काम ना करे, मगर लगता है उसने ये काम नहीं छोड़ा। नतीजा आपके सामने है, ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं कि उसे समझाया जाए, ये आकिल बालिग है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। बेटा AK-100 बनाने के चक्करों में उसका ये हाल हुआ है, अब फाके करेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, अम्मी ने आह बढ़ते हुए कहा। इतने में रेहान के बच्चे स्कूल से आ गए। आज अबू घर पर हैं, नन्नी नीलम पुकारी, ताया अबू भी आए हैं, नन्ना सलीमान चहका। बच्चे खुश खुश घर में आए थे मगर सबके परेशान चेहरे देखकर परेशान होकर बोले क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ दादो। कुछ भी तो नहीं, अम्मी ने आंसू पूछते हुए कहा। अम्मी के 2 बेटे और 1 बेटी थी, सब अपने अपने
घर बार वाले थे। मियाँ का चंद साल पहले इंतकाल हुआ था। अम्मी कभी रिहान के पास और कभी दानियाल के पास रहती थी। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे। दोनों के बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी इन्हें परेशान और उदास नहीं देखा था। उन्हें रोते देखकर वो भी परेशान हो गई। अम्मी, रिहान वाली दुकान उसके दोस्त आफ्ताब ने ले ली है। दानियाल ने दूसरे दिन आकर अम्मी को बताया तो परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। रिहान की दुकान कॉर्नर पर ऐसी जगह वाकई थी जहाँ आमदोरफ्त ज्यादा होने की वजह से रश काफी रहता था। इस तरह उसकी दुकान खूब चली हुई थी जो इसकी बेवकूफी की वजह से हाथ से जाती रही थी। रिहान ने अम्मी को बताया कि सबसे पहले आफ्ताब ने ही उसे माइल किया था कि मैचों पर शर्त लगाते हैं, जीतने की सूरत में लाखों कमाएंगे और लाखों कमाए भी, मगर हवस इतनी बड़ी कि हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता, यहाँ तक कि कर्ज लेकर जो जुआ खेला मगर जुआ किसी का ना हुआ। इस मशगले ने उसकी खूब बदनामी कराई और पैसे पैसे का मोहताज कर दिया। आज जुआ खेलने की तरगीब देने वाला उसकी दुकान पर विराजमान था और वो एक बेरोजगार इंसान जिसकी समझ में कुछ नहीं आता क्या करे। अम्मी जो अपने सफ राय से सबकदोष होने के बाद सुख चैन की जिंदगी बसर करने का सोच रही थी, बेहद परेशान थी। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। छोटे छोटे बच्चे कैसे खाए पिएंगे, कैसे पढ़ेंगे? काश बुरे काम करने से पहले इंसान उसके बुरे नताज पर भी गौर किया करे, मगर आंखों पर जब हाविस की चर्बी चढ़ जाती है तो कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता। बेचारी अम्मी रिहान के गम में घुली जा रही थी। रिहान ने सब्जी की रेडी लगा ली है, दानियाल ने अम्मी को बताया तो उन्हें बेहद दुख हुआ, मगर सुकून का सांस भी आया। उसमें हक हलाल की रोजी बच्चों को खिलाने का जज्बा तो पैदा हुआ। अभी बच्चे छोटे थे, उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बाप ने क्या किया है, वरना तो रिहान की बड़ी बड़ी गेमों की धूम पूरी मार्केट में थी जो उसके भाई बहन और अम्मी के लिए बाई से शर्म थी। इनको इस मुआशरे का सामना करना था जो ये कहता था कि उनका बेटा जुआरी है, उनका भाई जुआरी है, मगर मुआशरा ये नहीं बताता कि उसको इस हाल में किसने और कैसे पहुंचाया। कोई बहन या कोई भाई ये नहीं चाहता कि उसका भाई हराम और काबिल नफरत काम करे, मगर मुआशरा किसी की सजा किसी को देता है। जुर्म एक शख्स करता है मगर सजा पूरे खानदान को भुगतना पड़ती है, उसके बच्चों को भी ये सजा मिल सकती है। इसी एक बात ने रिहान को रेडी लगाने पर मजबूर किया था। मेहनत में कोई शर्म नहीं, आज हालात मुश्किल हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, अम्मी ने सोचा और नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगी। आज उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा करना था जिसने उनके बेटे को जुए की दलदल से निकाल कर बाहर किया था और हदायत का रास्ता दिखाया था।